अगर हम कहें कि गर्मी का सितम तो आप सिर्फ अपने स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी में होते हुए उठा रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन यही जो गर्मी है वो आपके बजट पर भी असर डाले तो आप क्या यकीन करेंगे? ऐसा कुछ हो रहा है, बताएंगे आपको कि सब्जियों के दाम कैसे बढ़ने वाले हैं और कैसे बढ़ भी चुके हैं। चिलचिलाती धूप है और गर्मी में शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो वहीं गर्मी के बीच ये जो सब्जियां हैं इनके भी भाव बढ़ गए हैं, ये भी नाराज से दिखाई दे रही है। सब्जियों के तेज़ी से बढ़ते दाम जेब को झुलसा रहे हैं। लगातार गर्मी के चलते सब्जियों के रेट में उछाल देखने को मिल रहा है, जैसे कि आम लोगों के रसोई का बजट अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, 5-10 रुपये बढ़ गए, लेकिन नहीं, कई सब्जियां ऐसी हैं जो 20 रुपये में आप खरीद रहे थे 40 रुपये मिल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी 2 दिन बढ़ेंगे फिर घट जाएंगे, नहीं, आने वाले वक्त में फिर मानसून भी है उसकी मार पड़ती है। अब इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। एक तो सप्लाई जो है, सप्लाई चेन प्रभावित होती है। कैसे? दूर दूर से अगर सब्जियाँ आती हैं कुछ, तो फिर उसके लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत भी होती है। आपने बड़े बड़े ट्रक देखे होंगे जिनमें रेफ्रिजरेटर लगा होता है, जिसे आप एसी भी कहते हैं कि इस ट्रक में एसी लगा हो, और सब्जी होती हैं, फल होते हैं, वो सब्जी मंडी तक पहुँचते पहुँचते कई बार ख़राब भी हो जाती हैं, समय ज़्यादा लगता है, कहीं पर अगर जाम में फंस गया वो ट्रक ज़्यादा समय हो गया तो फिर कूलिंग पर असर, और कूलिंग का असर तो सब्जियाँ भी ख़राब, एक कारण तो ये भी है, और एक सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। मार्केट में घिया जो पहले 20 रुपये किलो मिला करती थी, आज वो 40 रुपये किलो मिल रही है, और तोरी की बात करें जो पहले 30 रुपये किलो मिला करती थी, वो आज 40 रुपये किलो मिल रही है। भिंडी को देखिए, अगर भिंडी लोग खाते हैं, बहुत शौकीन आप, तो पहले 30 रुपये में खरीद रहे होंगे, अब 50 रुपये की हो गई है, 20-20 रुपये बढ़ गए हैं, और आप कहेंगे भैया आपने तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिए। सब्जी वालों कहेंगे, सब्जी वाला कहेंगे हम क्या करें, पीछे से ही इतना महंगा मिल रहा है। करेले के दाम, जो कड़वा करेला जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो भी भाव दिखा रहा है, वो और भी कड़वा हो गया। जो करेला पहले 40 रुपये का खरीदते थे आप प्रति किलो, आज वो 60 रुपये पर पहुंच गया है। आलू पहले जो कि 120 रुपये में 5 किलो मिला करता था, 5 किलो कह रहा हूँ, एक किलो नहीं 5 किलो मिला करता था, वो अब 150 रुपये में 5 किलो बिक रहा है। भाई प्याज की दाम की बात तो हो रही है, प्याज आजकल सब्जियों में चलता तो है ही, लेकिन सादी सलाद में भी चलता है, 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो गया, और ये कहा जा रहा है कि ये बढ़ जाएगा, और हर सीज़न में हम देखते हैं बढ़ता है, काला बाजारी भी होती है, उसके बाद कई बार आरोप लगते हैं, आने वाले दिनों में इसके और भी ज़्यादा दाम बढ़ेंगे आशंका है। हम तो कह रहे हैं कि आदत डाल लीजिए, सब्जी कम खरीदें या कैसे मैनेज करें वो आप पर निर्भर करता है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब व्यक्तियों को बड़ी दिक्कत होती है, अमीरों के लिए कितना मर्जी महंगा होता है क्या ही फर्क पड़ता है। सुनवाते हैं क्या कहा गया। सब्जी मंडी 12 नंबर A कमीशन एजेंट जी, सब्जियां महंगी है, क्या कहना है इसके बारे में? मेन कारण गर्मी का है जी, लू चली हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लू के कारण सारी सब्जी खराब हो गई है, किसानों को बड़ी परेशानी आ रही है, मंडी में आवक सब्जी की कम है, जिस कारण से सब्जियां सब महंगी है। प्याज आलू पे भी इसका असर है क्या? प्याज का मेन असर जो एक्सपोर्ट खुल जाता है जी, पीछे से आवक कम हो जाती है, फिर प्याज में भी तेजी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 10 रुपये का उछाल कम से कम प्याज में है। तो आम आदमी की जेब पे कितना असर है? बहुत असर है जी, रसोई की बजट का बहुत असर पड़ गया है, बिगड़ गया है रसोई का बजट, आम आदमी को खाना खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो टीम है हमने उनको जिम्मा दिया कि जाइए मंडी में जाकर देखिए भाव कैसे सब्जियों के बढ़ रहे हैं, लोगों से बात कीजिए, व्यापारियों से बात कीजिए। हमारी टीम गई और एक उदाहरण हम चंडीगढ़ का भी दिखाते हैं आपको। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड है, वो भी पहुंचे और मंडी में जाकर उन्होंने भी दाम जान लिए कि आखिरकार दाम क्यों बढ़ रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आज के दामों में एक बार फिर से उछाल देखने के लिए मिल रहा है और लगातार बढ़ते ये दाम लोगों को ये परेशान कर रहे हैं कि उनके किचन में प्याज उन्हें ज़रूर रुलाता है, लेकिन क्या उसे खरीदते हुए भी एक बार फिर प्याज के दाम जो हैं वो रुलाने वाले हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में यहाँ पर फल और सब्जी की जो ये रेडी लगती है या फिर कहें कि एक फर्ड लगती है, वहाँ पर हम मौजूद हैं और प्याज के जो रेट है चंडीगढ़ के अंदर भी उसी प्रकार से देखने के लिए मिल रहे हैं जिस तरीके से हरियाणा के दूसरे इलाकों के अंदर इसका जो रेट है वो देखने के लिए मिल रहा है। आप ये बताइए अभी प्याज का क्या रेट है और किस तरीके से इसके जो दाम हैं वो स्टेबल हैं या फिर बढ़ रहे हैं? बढ़ ही रहा है प्याज के रेट तो बढ़ ही रहा है। कितना दाम है अभी 1 किलो का? 1 किलो 50। 1 किलो 50 का है।
अभी कब से दाम बढ़े हैं? कल परसों कितना था दाम? कल क्या था दाम? ये वही 50 से है। अच्छा, हाँ 30-40 में नहीं बेच रहे थे इससे पहले, दो तीन दिन पहले? एक हफ्ता पहले 40 रुपए भी था, 3-4 दिन पहले 40 रुपए किलो ही चल रहा था। अच्छा, अब लेकिन रेट बढ़ गया तब जाके 50 रुपए रेट किया गया है। हाँ, हर एक चीज़ का बढ़ रहा है। और किस चीज़ का बढ़ गया? हर एक चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, जितना भी फल फ्रूट है। ये देखिए, कहाँ ये 40-50 रुपए में बेचते थे नारियल, अब 70 रुपए हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ गुड़िया आपसे जो सामान लेने आ रहे हैं, प्याज वगैरह जो लेने आ रहे हैं, महंगा प्याज देखने के बाद पहले जैसा ही बिक रहा है या कम ले रहे हैं लोग? कम ले रहे हैं प्याज, कह रहे कि अभी तो 40 रुपए मिल रहा था, एकदम से बढ़ गया रेट, तो कह रहे कि मंडी में सस्ता मिल रहा है, अभी मंडी में चले जाते हैं। मंडी कम लेते हैं, मंडी के अंदर रेट कम है क्या, आप क्या मानते हैं? ना ना, कम कहाँ है ना, वहाँ पे 40 मिलता है, मंडी से 40 लाते हैं, हम 50 बेचते हैं। अच्छा, तो ये प्याज के दाम हैं। हालांकि कुछ जगह मंडियों में जहां पर ज़्यादा मात्रा होती है वहां 10-5 रुपए का अंतर जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो दाम है वो बढ़ना शुरू हुए हैं, लेकिन ये दाम इस बात की चेतावनी है कि आने वाले समय के अंदर क्या और भी अधिक बढ़ते हुए ये नज़र आ सकते हैं। जैसे हम 40 रुपये किलो वहाँ से लाते हैं, पल्लेदारी किराया भाड़ा ले करके तब जाके यहाँ पर 50 रुपये किलो बेच रहा हूँ। हाँ जी, कोई इसमें गलत नहीं है सर, और सरे हुए भी निकलता है, खराब भी निकलता है। हाँ, खराब भी निकलता है, पच वाला माल निकलता है। तो आपने देखा कि प्याज के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, 40 से 50 रुपए जो दाम है वो अलग अलग जगह के हिसाब से देखने के लिए मिल रहे हैं। मंडी के अंदर रेट थोड़ा कम है, लेकिन जो दूसरे जो इलाके हैं जहां पर अलग अलग जगह फड़ लगा करके रेहड़ी के माध्यम से प्याज बेची जाती है, बढ़ोतरी है दामों में, वो ऐसे ही चलती रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।